सब राजा हैरान, खतरनाक बाबा आ गए। लेकिन परशुराम जी अंदर आए, आकर के जनक को देखकर बोले, जनक इतनी भीड़ कैसी? जनक जी बोले, बिटिया को ब्याह, बेटी का विवाह है महाराज। अच्छा, बेटी का विवाह? अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी का विवाह था। लेकिन तब तक जैसे ही पीछे नजर मारी, धनुष के दो टुकड़ा देखे सो नाराज हो गए परशुराम जी। अति से बोले, बचन कठोरा और कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जनक, जो बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जी चुप होगा। जब अति बोले तो बहुत ज्यादा गुस्सा में बोले, तो अति एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। तो जैसे ही देखा कि दादा परशुराम तो नाराज है, अति बोले बचन कठोरा, तो जनक जी के भीतर भी अति डर भर गयो। तो जनक जी अति डर उतरो देत नृपनाही। एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। जब परशुराम जी ने कहा हे जनक, क्रोध में अति क्रोध में, तो भयंकर भय घुस गया जनक के, कहीं हम बता ना दइए और हमारे होने वाले दमाद का ये मान ना देवे। चुप चुप हो गए। जब परशुराम जी आए तो विश्वामित्र जी से भी मिले। विश्वामित्र जी से मिले तो विश्वामित्र जी ने गले लगा लो और दो ही हाथ पकड़ लिया और राम जी से बोले, जल्दी प्रणाम करो, करो प्रणाम, लक्ष्मण तुम भी प्रणाम करो। अच्छा, हाथ क्यों पकड़ ले? विश्वामित्र जी ने सोची कहीं जे दंडवत प्रणाम करे, कोई कहना दे के नहीं नहीं तोड़ो धनुष, जी गया है, जी गया है, तो फरसा उठ जाए समारे को। हाथ पकड़ ले, राम तुम प्रणाम करो, लक्ष्मण तुम प्रणाम करो। जब बहुत क्रोध भर गया परशुराम जी को, तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन महाराज से हम दो दो बातें कर ले। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले कि ये तुम्हारी भाषा के आदमी नहीं है, ये तो हमारे लेवल के आदमी। राम जी बोले मतलब? बोले इनको जो भाषा आती है वो तुम्हें आती नहीं है और तुम्हारी भाषा ये समझ नहीं सकते, तो आप हमें आज्ञा दो, हम कुछ बात करें, मेल मिलाप करें। राम जी बोले ज्यादा उपद्रव मत करना। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। जब सब लोगों को भयभीत देखा, हाथ में वर्षा लेकर के परशुराम जी बोले, सुनो जिसने भी धनुष तोड़ा वो सामने आ जाए, वरना मारे जई हैं सब राजा, सात राजा मरेंगे। जितने राजा हते सबकी आंकन में अजुआ आ गए कि अब तो तेरे ही पक्की है। एक राजा बोले, हम पहले ही कही थी भग चलो, तुम्हें तमाशा देख लिया ले गए थे, अब देख लो तमाशा। लक्ष्मण जी बड़े हैरान गुरु जी की तरफ बोल के बोले, गुरु जी तुम अच्छे देश में ले आए। बोले क्यों? बोले यहां जो भी ये समस्या है धनुष समस्या। एक तनक देर पहले और नाराज हो रहे थे जनक जी के धनुष क्यों नहीं टूटा, अब धनुष टूट गया, सो जे भाई साहब आ गए के धनुष का। बोले बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर।